सच में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। झारखंड सरकार ने धनबाद वासियों के साथ किया सौतेला व्यवहार, नहीं दिया धनबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा। इसी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला। गलत FIR करने के विरोध में ग्रामीणों ने गोविंदपुर थाना का किया घेराव, थानेदार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। राजगंज पुलिस ने 2 लग्जरी कार से करीब 30 लाख का गांजा सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। SP ने कहा जांच कर की जाएगी गांजा तस्करों पर कार्रवाई। और आर्थिक तंगी और सुदखोरों के भय से गोधर बेंदरिया बस्ती के 32 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा स्मार्ट सिटी में धनबाद की अनदेखी करने पर एक बार फिर धनबाद कोयलांचल की राजनीति गर्म हो गई है। इसी क्रम में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आज मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला फूंका गया। पुतला फूंक रहे कांग्रेसियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी में धनबाद का पहले से नाम था, बावजूद धनबाद का नाम हटाकर रांची, जमशेदपुर और देवघर के नाम पर हरी झंडी दिया गया है। रघुवर दास सिर्फ जमशेदपुर के मुख्यमंत्री हैं और वो सिर्फ जमशेदपुर का विकास करना चाहते हैं। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंदर वर्मा से बातें की। उस समय भी धनबाद झारखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट को चयनित किया गया था, जिसमें धनबाद, रांची और जमशेदपुर था। उसके बाद स्मार्ट सिटी की बातें आई, उस समय भी धनबाद का नंबर पहला था, क्योंकि धनबाद पूरे राज्य में, धनबाद ऐसा जिला है जो सभी आहर्ताओं को पूरा करता है। धनबाद हर स्टेट के, देश के हर राज्य से कनेक्टेड है। उसके बावजूद भी जब मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब बने, लोगों को हसीन सपने दिखाया, हर चीज देने की बात की, सब जगह उन लोगों ने अपने बातों से यू टर्न लिया है। ये यू टर्न की सरकार आप देख लें कि अब स्मार्ट सिटी में इन्होंने मुख्यमंत्री कल बयान दिए हैं कि इसमें धनबाद को इन्होंने सौतेला व्यवहार करते हुए धनबाद को नगण्य कर दिया है, धनबाद स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि धनबाद हर आहर्ता को पूरा करता है और सिर्फ ये जमशेदपुर के मुख्यमंत्री बनकर के रह गए हैं। इसके बाद अगर सरकार नहीं चेतती है, अगर इसके साथ सौतेला व्यवहार होता है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए सड़क से लेकर के और सदन तक हम लोग चलने नहीं देंगे इस सरकार को। हर स्तर पर इनका विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। धनबाद गोविंदपुर के खील कनाली गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज गोविंदपुर थाना घेराव कर घंटों बवाल काटा। ग्रामीण पुलिस द्वारा गलत FIR किए जाने को लेकर नाराज थे। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस पत्थर माफिया के साथ मिलकर गरीब और लाचार लोगों को झूठे केस में फंसा रही है। हम आपको बता दें कि पत्थर माफिया इनके गाँव से भारी वाहनों द्वारा पत्थर की ढुलाई करवाते हैं। ग्रामीण सड़क सक्रिय है, जिस वजह से कई बार एक्सीडेंट होते रहती है और ग्रामीणों की जान आफत में पड़ते रहती है, जिसका विरोध ग्रामीण अक्सर किया करते थे। इसी से नाराज पत्थर माफिया पारा सिंह द्वारा रंगदारी का झूठा मुकदमा ग्रामीणों पर किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि नामजद 5 अभियुक्तों में से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग है और दूसरा 8 साल के बच्चे भी हैं। अब अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस किस तरह से बिना जांच किए मामले को दर्ज किया। हालांकि इस मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, जबकि ग्रामीण अपनी आप बीती सुना रही है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में समाज सेवी सूरत दुधानी से बातें की। अगनारी पथ है जो कि आगे तक जाता है, इससे पत्थर की ढुलाई है बहुत जमाने से हो रही है, लेकिन पत्थर की ढुलाई ट्रैक्टर या छोटे साधनों से हो रही है। विशेष रूप से भारी वाहन चलाने का आग्रह इनका था और भारी वाहन खास करके किनारी ऐसी बस्ती है जो कि एकदम रोड पर है और उसमें 10 फुट से ज़्यादा रास्ता उपलब्ध नहीं है, इससे ग्रामीणों का असुविधा हो रही थी। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप इसको न चला के छोटे वाहन सब चलाइए, आप व्यवसाय कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्मिता थी इसके अंदर में, जिसके कारण वो बड़ा वाहन थे, यहीं से गलती है। तो ग्रामीण क्या करें, ग्रामीणों ने तो निश्चय कर लिया है कि बड़ा वाहन को चलने नहीं देंगे, क्योंकि उनसे जान माल की भी क्षति है और रोड जो आज 18 साल के मशक्कत के बाद ये रोड बनी है, हर कोई जानता है इस रोड पर क्या स्थिति थी, अब उस रोड की फिर पुनः वही स्थिति हो जाएगी।
तो एक फॉल्स केस है, तो कैसी फॉल्स है, क्योंकि जिस दिन का केस है उस दिन वो लोग खुद हड़ताल पर थे और किसी तरह का कोई उनके यहाँ प्रोडक्शन नहीं था और वहाँ पर रोड का काम चल रहा था, मुखिया स्वयं रोड बनवा रहे थे, इसलिए कोई रोड वाहन चलने का कोई कारण नहीं था वहाँ पर। देखिए जिस तरह का जो है पत्थर माफिया लोग, कुछ दबंग लोग हरकत किया है, इसका निंदा जितना ही किया जाए कम है। ग्रामीणों के ऊपर सरासर जो है झूठा केस जो है किया गया है, रंगदारी केस जिस तरह का जिन लोगों के ऊपर किया गया, हम लोग जो है इस पर जांच किए अपने स्तर से भी, तो देखा गया कि जो है 70 साल के बुजुर्ग के भी ऊपर जो है रंगदारी केस, बेटा के साथ साथ बाप का भी नाम जो है दे दिया गया। तो आज हम लोग जो है पूरे गांव वाले के साथ में थाना पहुंचे हैं और थाना में हम लोग जो है कि ये कहें लिखित जो है आवेदन देते हुए कि भाई ये तो चोरी के ऊपर सिनाजोरी है, जिन लोगों ने केस किया है वे लोगों के ऊपर केस होना चाहिए, केस इसलिए होना चाहिए कि उन लोगों ने जाके हरकत किया है। इस तरह से वहाँ के दलित, वहाँ के दलित महिलाओं के साथ में जाकर असंसदीय भाषा में गाली गलौज किए हैं, जाति सूचक गाली दिए हैं और जिस तरह से उन्होंने झूठा केस किया है, यह जो है वहाँ के दलित गरीब लोगों का आवाज को दबाने के लिए जो है किया गया है। अब क्या करेंगे ग्रामीण, कतई जो है बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अभी हम लोग थाना में ज्ञापन दिए हैं, डीएसपी साहब भी आ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर यदि यहाँ से समाधान होता है तो ठीक ही, नहीं तो हम लोग आंदोलन का रास्ता हो रहा है। बीसी सेलेरिया 9 के घनुआ डी ओपन कास्ट परियोजना में आग लगने से भारी मात्रा में गैस रिसाव होने लगी, इससे पूरे घनुआ डी इलाके में धुआं ही धुआं हो गया है। इस गैस रिसाव से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों की माने तो प्रबंधक की मिली भगत से आग लगाई जाती है, क्योंकि बीसीसीएल प्रबंधक का मंशा तो इलाके को खाली कराना है, जिसके चलते परियोजना में लगी आग को यूं ही जलते छोड़ दिया जाता है ताकि पूरा इलाका इस गैस रिसाव के धुएं में जलता रहे। लेकिन अगर ये आग यूं ही अंदर इलाके की तरफ फैलती रही तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पर खतरा आ सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हजारों जाने जा सकती है। वहीं बीसीसीएल इस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में स्थानीय लोगों से बातें की। प्रोजेक्ट है ये, घनुआडी प्रोजेक्ट है जो आग लगा हुआ है, इसके कहने वाले को ही समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ क्या करे, जिस तरह का जो है ये धूल उड़ रहा है, ये प्रदूषण जो है बीमारी का ही प्रकोप है। यहाँ का बसने वाले जो भी मजदूर है या रहने वाले जो है ये बीमारी से अब कहाँ जाए, वो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन लोग का भी जो है डेरा क्वार्टर सही से मिल नहीं रहा है, ये लोग मजबूर में यहाँ रह रहे हैं। साजिशे के बराबर सर, ये अगर देखिए यहाँ बीसीसीएल में हर बीसीसीएल जगह में देखिए आग लगा हुआ है, क्यों, ये मेजरमेंट का ढिलाई है। टाटा में क्यों नहीं लगा हुआ है, टाटा भी प्रोजेक्ट चला रहा है, कुलेरी चला रहा है, लेकिन उसमें कई आग लगा हुआ है। यहाँ जो है बीसीसीएल का मेजरमेंट ऊपर से जो है ये आग लगवाते हैं, जो कि इसमें पैकेज मिलता है, इन लोग का जो है पॉकेट भरता है। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ, सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झरिया के जेलगोड़ा स्टेडियम में वार्षिक माइन सेफ्टी वीक 2014 का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि डीजीएमएस उप महानिदेशक संजीव राय थे। समारोह का उद्घाटन झंडा तोलन व गुब्बारा उड़ाकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले दीप प्रज्वलित की गई और खदान में शहीद हुए मजदूरों के याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। निवेदित अतिथिगण को आप करतल ध्वनि से स्वागत करें।
धन्यवाद सर, इस नारी शक्ति के सम्मान से ही। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। और कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने सेफ्टी वीक के विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में डीजीएमएस के उप महानिर्देशक संजीव राय से बातें की। इस माइंड सेफ्टी वीक, हर साल एक सेफ्टी वीक का प्रोग्राम होता है, जिसमें जितना माइंस है यहाँ का सेंट्रल जोन के अंदर में, बीजीसीएल का है, स्टील अथॉरिटी का है, टाटा स्टील है, मुंबई एरिया है, जो ईसीएल का है, टोटल माइंस एक साथ में पार्टिसिपेट करता है। ग्रुप्स है जिसमें अंडरग्राउंड का है, प्रोडक्शन वाइज अंडरग्राउंड है, बड़ा माइंस भी है, ओपन कास्ट है, ओपन कास्ट छोटा ग्रुप भी है। तो हम लोग एक ग्रुप वाइज करके 5-6 ग्रुप बना दिए। उसका साथ साथ जो सबस्टेशन है उसको भी हम लोग रखा है सर। तो उसके लिए जो अच्छा होता है कमिटी बम फॉर्म होता है, इंस्पेक्टर रहता है उसमें, उसको आपका माइनिंग इंजीनियर भी रहता है माइंस का, एक कमिटी फॉर्म करके वो माइंस को इंस्पेक्ट करने के बाद लेते डिसाइड कौन माइंस अच्छा क्या कौन माइंस का। इसमें इस बार हम लोग एक नया आइटम जोड़ा है, दैट इज सच्च भारत मिशन, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी चालू किया। तो हम लोग हाउस की भी पहले करते थे, तो हाउस के लिए माइंस का अंदर सीमित था, उसको हम लोग क्या है क्या इस बार जो कॉलोनीज अगर है माइंस का साइड में जितना कॉलोनीज है उसको भी सफा सुथरा रखने के लिए हम लोग रखा है, वो कितना सफा कितना रखा अच्छा कितना क्लीन रखा उसका भी इसमें हम लोग एक सच्च भारत मिशन का ग्रुप है उसको। केंदुवाड़ी थाना अंतर्गत गोधर बेलदरिया बस्ती में बीती रात 32 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं आपको बता दें कि गोधर बेलदरिया बस्ती निवासी सीताराम चौहान नामक युवक ने कर्ज नहीं चुकाने एवं सूदखोरों के भय से अपने ही घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं बताया जा रहा है कि युवक कई महीनों से काफी तनाव में रह रहा था और ये बात घर में किसी को नहीं बताया था। वहीं सुबह जब परिजनों ने मृतक का दरवाजा खोला तो वो अपने कमरे में नहीं मिला, वहीं बगल के आंगन में साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। वहीं मौके पर केंदुवाड़ी पुलिस पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे संवाददाता विजय वरुण ने घटना के संबंध में मृतक के जीजा हरकुशल चौहान से बातें की। माँ उठी तो पूछने लगा सीताराम को, तो घर में नहीं था और टीवी चालू था सुबह 5 बजे। फिर उसका बाद माँ खोजने लगा तो देखा कि चारों तरफ से दरवाजा बंद था। फिर उसका बहन उठी देखा तो फंदा में लटका हुआ था। कितने बजे घटना हुई अंदाज? वो अंदाज हम लोग का मालूम 5 बजे सुबह में। क्या लगता है घटना का? घटना का है कुछ ही, मैंने इंटरेस्ट पर पैसा लिया था और उसी विषय में इसको टॉर्चर होते रहता था और हमको अंदाजा है कि उसी पर ये आत्महत्या किया है। क्या नाम था उनका? सीताराम चौहान। रविवार शाम 4 बजे राजगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लग्जरी कार के साथ 2.5 क्विंटल गांजा के साथ एक ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है, जबकि दूसरे कार का चालक भागने में सफल रहा। गिरफ्तार चालक का नाम रॉकी पांडे है और जो कतरासगढ़ का रहने वाला है। जब्त गांजे की कीमत 30 लाख के लगभग लगाई जा रही है। मालूम है आपको, बात तो एकदम सही बताए ना। चालक से पूछताछ के क्रम में चालक ने कतरास के ही राजगढ़िया बंधु का नाम बताया है। जय जय राजगढ़िया, जय राजगढ़िया, पप्पू राजगढ़िया।
अच्छा जो यार घटना भी पकड़ाया था हमारे संवाददाता ने इस संबंध में धनबाद एसपी हेमंत टोपो से बातें की। ये लगभग 2 क्विंटल से ऊपर है ये गांजा जो 2 अलग अलग वाहनों में लेकर के जाया जा रहा था, जिसमें पहली गाड़ी में भी कुछ गांजा बरामद हुआ है जिसका चालक उतर करके भाग गया था, लेकिन दूसरी गाड़ी जिसका चालक गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम रोकी पांडे कतरास करके रहने वाला बताया गया, उससे पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वो बांकुड़ा से यह सामान लेकर के आ रहा था, गांजा लेकर के आ रहा था और कतरास में ही इसको डिलीवरी करना था। इसी बीच सूचना के आधार पर इसको रोका गया है, जांच किया गया, गांजा बरामद हुआ और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हुई है। आगे व्यापक पूछताछ के बाद पता चलेगा कि ये पहले से कोई नेटवर्क काम कर रहा है या यह तत्काल इस तरह की घटना घटी। 2 क्विंटल से ऊपर हुआ जो अभी तक इसकी नापी नहीं हुई है, लेकिन जो देखने पर लग रहा है अनुमानता यह 2 क्विंटल से ऊपर। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, आप बने रहिए। बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। करकेन गोपाली चक 2 नंबर पार बांध पुल के समीप श्री श्री बजरंग बली मंदिर में 16वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया जिसमें दर्जनों महिलाओं ने बजरंगबली मंदिर की परिक्रमा की। वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया। केंदुआ चिल्ड्रन पार्क में स्वर्गीय सौखी प्रसाद यादव स्मारक समिति के तरफ से स्वर्गीय सौखी प्रसाद यादव का 13वां पुण्यतिथि मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री मनान मल्लिक, डिप्टी मेयर नीरज सिंह, वार्ड पार्षद संजय कुमार, जदयू के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप यादव सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय सौखी प्रसाद यादव के प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की, साथ ही जीवनी पर प्रकाश डाले। बहुत दिन क्या है, 2 साल देख लिए, 2 साल में इस समुचा सौखी यादव तबियत सबको ले जा रहा है। ठीक है बोला, केंदुआ करके समेत लुठा के ले जाएगा, आप लोग सोए रहिए। नोटवा लेकर के कहीं कितना बहुत ज्यादा नोट होगा तो 8 लाख रुपए कट्ठा जमीन जाके खरीदिएगा, धनबाद में कहीं मिल जाए भूल जाए मिल जाए, शायद 8 लाख रुपए कट्ठा में भी नहीं मिलेगा। नहीं कुछ करने वाली है, जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा और सौखी जी के रास्ते पर नहीं चलिएगा, संघर्ष ही जीवन है। हिंदुस्तान में जब तक संघर्ष इंसान नहीं करता है कोई कुछ नहीं देता है। आजादी आपको ऐसे नहीं मिली, गांधी जी का नोट छून करके पॉकेट में रख लेते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है, तब जाके नहीं गांधी जी का नोट मिल गया और गांधी जी के नाम से नफरत होने लगा। माँ गांधी जी की मूर्ति पर 2 फूल भी देना नहीं चाहते आप, फोटो पर माला अर्पण भी नहीं करना चाहते हैं, इतनी शर्म की बात आप सोच लीजिए। इसलिए आप सोच जब तक बदलिएगा नहीं देश का निर्माण नहीं हो सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इसी के साथ धनबाद के रंगधीर वर्मा चौक पर कोल इंडिया महिला भी आर एस संगठन के सदस्यों ने कोल इंडिया के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नारे लगाए। वहीं संगठन के सदस्यों ने बताया कि कोल इंडिया वीआरएस योजना सही रूप से पारित नहीं कर रही है, इसमें भेदभाव किया जा रहा है, उम्र अवधि के बाधिता को देखते हुए कोल इंडिया इस पारित नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि उम्र सीमा को खत्म करते हुए वीआरएस लागू किया जाए एवं बच्चों को रोजगार दिया जाए। हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन के संबंध में संगठन के महामंत्री शुभेंदु भौमिक से बातें की। और मैं शुभेंदु भौमिक, मैं बिहार संगठन का महासचिव हूँ। आज हम लोग 10
2008 से हम लोग इस मांग को उठाते आ रहे हैं कोल इंडिया स्तर पर कि वीआरएस को सही ढंग से लाया जाए, लेकिन कोल इंडिया भारत में कंपनी होते हुए अभी मजदूर हित में सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाती है। और एक बार 50 वर्ष निकाला गया है योजना में, एक बार 55 वर्ष, ऐसा क्यों? जबकि ये उत्पादन के दृष्टिकोण से वीआरएस को लाया गया तो सभी को इस पे फायदा दिलाना। कुछ तो 3 नंबर बेल पट्टी में दाढ़ी विकास मंच के तरफ से वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में दाढ़ी समाज के सदस्यगण उपस्थित थे, जिसमें समाज के विकास एवं उत्थान पर चर्चा की गई, साथ ही समाज के लोगों को शिक्षा से जुड़ने की सलाह दी गई। इस मौके पर अनेकों गणमान्य लोगों ने समाज के हित के बारे में विचार दिया। हमारे संवाददाता विजय करमकार ने कार्यक्रम के संबंध में सदस्यों से बातें की। संगठित करने के लिए काम करते आ रहे हैं और काम करेंगे, इसी संकल्प को लेकर हम लोग साल में एक बार वार्षिक उत्सव मनाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। साथ ही बिहार में हमारा जो इकाई है उसके लिए वार्षिक कार्यक्रम हमारा होता है, जो हम 22 और 23 अप्रैल को इस बार भी पुनः मनाने के लिए निश्चित किए हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इसमें बिहार के मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी को आमंत्रित करें। साथ ही हम अपने स्वजाति को शिक्षा से जोड़ने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और लड़का लड़कियों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अब साल में एक बार वार्षिक कार्यक्रम करते हैं और वार्षिक कार्यक्रम के तहत अपने समाज में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उनको सम्मानित करने का काम, छात्र छात्राओं जो शिक्षा में अव्वल आते हैं उनको प्रोत्साहन करने का काम, महिला नेत्री महिला समाज के जो नेतृत्व करते हैं उनको सम्मानित करने का काम, और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, विजन है दाढ़ी विकास मंच का कि हमारा समाज समाज के मुख्य धारा में नहीं है, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हमारी एक मुख्य लड़ाई है बिहार सरकार से, झारखंड सरकार से, कि हम दाढ़ी जाति के लोग को दुसाध जाति के साथ जोड़कर सरकार देखती है। हमारी मांग है कि हमको स्वतंत्र जाति का दर्जा मिले, जिस तरह 22 जातियां अनुसूचित जातियों में दर्ज है 23वां स्थान हमें मिले स्वतंत्र रूप से दाढ़ी जाति को, ये हमारी मांग है। इस मांग के तहत हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अब आने वाला दिनों में अगर सरकार एक महीना के अंदर हमारी मांग नहीं पूरा करती है, स्वतंत्र जाति का दर्जा नहीं मिलती है, तो हम लोग रोड से लेकर विधानसभा तक का घेराव करेंगे। झारखंड सरकार ने धनबाद वासियों के साथ किया सतेला व्यवहार, नहीं दिया धनबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा, इसी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला। गलत FIR करने के विरोध में ग्रामीणों ने गोविंदपुर थाना का किया घेराव, थानेदार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। राजगंज पुलिस ने 2 लग्जरी कार से करीब 30 लाख का गांजा सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, SP ने कहा जांच कर की जाएगी गांजा तस्करों पर कार्रवाई। और आर्थिक तंगी और सुदखोरों के भय से गोधर बेलदरिया बस्ती के 32 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334500, 9835142005, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई होता तो इन खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।